मेरा पहला सवाल ये था शेख कि जब सूरज उगता है या फिर डूबता है तो फर्ज नमाज पढ़ना जायज है या फिर नाजायज है, क्योंकि कुछ उलमा की राय ये थे कि फर्ज पढ़ सकते हैं सुन्नत नहीं करके, और बहुत उलमा ने ये कहा कि दोनों नहीं पढ़ सकते, तो इसमें वाज़ह तरीके से जवाब मिल गया शेख। ठीक है, देखिए कुछ औकात ऐसे हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। उन्हीं औकात में से फजर के बाद यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, दूसरा है सूरज तुलू होते वक्त, तीसरा है ठीक दोपहर में जब सूरज हमारे सर पे होता है यानी जवाल से पहले, और तीसरा चौथा है असर के बाद, असर की नमाज पढ़ने के बाद जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए, पांचवा है जब सूरज गुरूब हो रहा हो तब। इन पांच औकात में नमाज पढ़ने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, लेकिन ये जो पांचों औकात हैं इनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर सबब के कोई नमाज पढ़ने से मना फरमाया है, यानी नफिल मुतलक नफिल पढ़ने से मना फरमाया है। मान लीजिए आपकी मस्जिद में असर की जमात हो गई, आप सो गए, अब आप जागेंगे तो असर की जमात तो हो चुकी है, जाहिर है आपको असर की नमाज पढ़नी है, तो असर की नमाज ये फर्ज है और ये सबब है। इसी तरह आपने असर की नमाज पढ़ लिया है, उसके बाद आप मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद में जब आप जाएंगे तो हदीस में है कि मस्जिद में जब दाखिल हो तो तहियतुल मस्जिद पढ़ो 2 रकात, तो मस्जिद में दाखिल होना ये सबब है, ये मुतलक नफिल नहीं है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि मुतलक नफिल पढ़ने से मना फरमाया गया है, मुकय्यद नमाज से नहीं, सबबी नमाज से नहीं, ये पहला नुक्ता। दूसरी बात ये कि जो 3 अवकात यानी सूरज जब निकल रहा हो, सूरज जब ठीक दोपहर में हो और सूरज जब गुरूब हो रहा हो, इन अवकात के बारे में उलमा ने कहा है कि ये इन अवकात में जो नहीं है वो और ज्यादा शदीद है, लिहाजा कोशिश करें कि बिल्कुल जब सूरज गुरूब हो रहा हो तो उस वक्त ना पढ़े। अरे आप 1 मिनट सब्र कर लीजिए, अगर जी सूरज गुरूब होना शुरू हुआ है उससे पहले आप नमाज शुरू कर चुके हैं तब तो कोई मसला ही नहीं है, आप नमाज कंटिन्यू कीजिए, लेकिन जब गुरूब हो रहा हो कितना टाइम लगता है गुरूब होने में, आधा मिनट 1 मिनट उतनी देर आप रुक जाइए, लेकिन जी बहुत सारे उलमा ने उस वक्त को भी जायज करार दिया है, लेकिन आप इख्तलाफ में दाखिल ना होते हुए आप आधा मिनट 1 मिनट रुक जाइए, उतनी देर में सूरज गुरूब हो जाएगा फिर आप पढ़िए, लेकिन बहुत सारे उलमा ने सबबी नमाज को इसमें भी पढ़ने को जायज करार दिया। बाकी इन 3 अवकात के अलावा जो फजर के बाद और असर के बाद का वक्त है उसमें तो राजे यही है कि सबबी नमाज आप पढ़ सकते हैं, नफिल मुतलक पढ़ने की ममानियत है। जी यूनुस भाई, जी 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 शेख, अगर इजाजत हो तो और सवाल कर सकते फरमाएं, हैं शेख। जी 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 जजाकल्लाह शेख। फरमाइए। जी शेख, एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब वो रुकू से जब उठते थे, नहीं सॉरी, जब सजदे से उठते थे तो वो अपने हाथों को इस तरह से बना लेते थे जैसे कि कोई आटा गूंद रहा हो, तो इस पर 2 राय आते हैं शेख कि मुट्ठी बंद करके उठना करके, और कुछ लोग नहीं, जी तो जी 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 शेख, फरमाए फरमाए जी फरमाए तो सवाल। मुट्ठी बंद करके उठना है या फिर खोलना है शेख उठते हुए सजदे जी से? बिल्कुल, सवाल वाज़े है जी आपका। जी सवाल उनका अरशद भाई ये है कि जी जब शेख समझिए, सजदे से अब आप उठते हैं क़याम के लिए, तो उस जी वक्त हाथ को जमीन में आप जमीन पर आप टेकते हैं, तो जी क्या ऐसे सीधा करके टेकना है या ये कि इस मुट्ठी तरह से बना रहे करके हैं। टेकना है ना? क्योंकि जी एक रिवायत में अजीन का लफ्ज आया है, अजीन मतलब आटा, जैसे आटा जिस तरह गूंथता है आदमी, तो सही बात यह है कि दोनों तरीके सही हैं, क्योंकि बेशतर रिवायतों में इसका जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों चीजें साबित हैं। जाहिर है नमाज के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जिनमें एक से ज्यादा तरीके साबित हैं, जी तो बेशतर रिवायतों में इसकी कोई कैद नहीं आई है, इसलिए दोनों तरीके सही हैं, किसी पर कोई नकीर नहीं करनी चाहिए। आप अगर ऐसा उठते हैं ऐसा जमीन पर टेक करके तो भी सही है, सीधा टेक करके उठते हैं तो भी सही है। देखिए कई दफा ऐसा होता है आप ऐसी जमीन पर नमाज पढ़ रहे होते हैं कि अगर वहां पर आप मुट्ठी बांधेंगे तो आपको परेशानी होगी, नीचे जी जमीन में जमीन कुछ ऐसी है कि आपके हाथ में चुभ जाएगा, वहां पर ये तरीका ज्यादा मुनासिब होगा, और कई दफा ये तरीका ज्यादा मुनासिब होगा अगर जमीन जो है नरम है या जो जिस पर जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं कालीन वगैरह बिछी है,
तो जो तरीका आपको ज्यादा आसान लगे, जिसमें आपको ज्यादा राहत महसूस हो, आप उस पर अमल कीजिए। दोनों तरीके सही हैं।